निर्जा और अबीर की प्रेम कहानी। राजवीर और आस्था की यारियां। एक दिन दोस्ती के नाम। वो दिन खास होते हैं जब दोस्त पास होते हैं। भाई दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि चार लोग बोले दोस्त हो तो ऐसे हो। ऐसी ही दोस्ती हो गई है अबीर और निर्जा यानी कि राजवीर और आस्था की। में तो दोनों मियां बीवी का किरदार निभा रहे हैं लेकिन रियल लाइफ में दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए हैं और इसीलिए दोनों इस बारिश के सुहाने मौसम में अपने रिश्ते में दोस्ती का तड़का लगाकर सास बहू और बेटियां संग पहुंच गए हैं अंधेरी के ग्लोकल जंक्शन में वहां का स्वाद चखने और अपने दोस्ती दिवस को खास बनाने। बारिश का मौसम है और आज जो है हमारे राजवीर और आस्था यानी कि आपकी निर्जा और अबीर, वैसे तो उनमें कोई फ्रेंडशिप हमें दिखी नहीं अभी तक और ना है वहाँ पर, लेकिन राजवीर और आस्था की बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है और आज खास फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों साथ में हैं। तो कितनी बॉन्डिंग है दोनों की अच्छी और केमिस्ट्री कितना पीटते मारते हैं एक दूसरे को? आस्था की और मेरी बिल्कुल भी ऐसे बॉन्डिंग नहीं है। नहीं है ना आस्था? है ना? She hates me. I hate him. I hate you. And why? I hate you. I don't have a reason. मेरा और आस्था का ऑन स्क्रीन तो है ही, जो आप लोगों ने देखा होगा ऑन स्क्रीन सीन्स आते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन कि तुम मेरे साथ रहो, मुझसे शादी करो, ये सब। मैं इसको, त्रिशा है ये मेरी जो कि जेन्युइन है। उसके बाद ऑफ स्क्रीन थोड़ा सा मैं इसको परेशान करता रहता हूँ, थोड़ा छेड़ता रहता हूँ इसको मैं, है ना। जब कभी ये सो रही होती है, नींद में होती है, तो मैं ए, उड़ जा। एक मैं किस्सा बताती हूँ। इन्होंने मुझे एक दिन किसी और नाम से बुलाया। मैं हम लोग सीन कर रहे थे और मुझे कहते, हम कुछ सीन का ही डिस्कस कर रहे थे और मुझे नाम याद नहीं है अच्छे से, बट इन्होंने मुझे कोई और नाम से बुलाया। मैंने कहा क्या? नहीं मैं बताता हूँ क्या है। ये कुछ देख, दो तीन दिन पहले की बात है। मेरा मैंने इसको प्रतिभा के नाम से बुलाया, प्रतिभा रांटा। तो शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम शिमला, तो हमने शो किया था साथ में। शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम शिमला। तो वो शिमला शिमला दिमाग में रह गया और बहुत कम ऐसे बार ऐसा हुआ कि मैं आस्था आस्था करके बुलाता हूँ, तो निर्जा, त्रिशा या, तो वो मैंने इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर दी उस दिन। बट प्रतिभा यस, बट आस्था यस। तो फिलहाल तो मुंबई रेंज कितना इन्जॉय कर रहे हैं? मुंबई रेंज बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। शिमला में भी, मैं शिमला से हूँ, वहाँ पर भी बहुत अच्छी बारिश होती है, लेकिन यहाँ की बारिश में कुछ अलग ही मज़ा है। एकदम से इतनी गर्मी में एक्सपोज हुई मैं पहले, शिमला में तो नहीं होती, फिर जब ये बारिश हुई तो वो एक रिलीफ, वो सुकून मिला, तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है मुंबई रेंज। ये जहाँ से आती है वहाँ एक्सट्रीम ठंड है, आई थिंक, है ना? बर्फ होती गिरती है घर के बाहर? हाँ, इसके इसका घर इतनी 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 अच्छी जगह पर है कि इसके घर के बाहर ना बर्फ़ गिरती है। और मैं शिमला बहुत बार गया हूँ, हिमाचल, मतलब मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है हिमाचल भी। तो मुझे जब ये कलकत्ता में मिली थी पहली बार, उससे पहले मिल चुकी थी, तो ये गर्मी में ना परेशान थी, मतलब परेशान, मतलब लिटरली परेशान। ये ठंड से आई है, गर्मी में पहुँच गई है, अभी इसको वहाँ से लेकर सीधा बारिश में हम लेकर आ गए। So now she is quite happy. I am very happy. You are happy now? Very happy. Tip tip barsa paani, paani mein aag lagani. So good. वो कौन सा था? मैं क्यों बताऊँ? नहीं नहीं, बहुत सुपर हिट। रिम झिम गिरे सावन, सुलग जाए मन, भीग आज इस मौसम में लागी कैसी है अगन,
रिम झिम गिरे ये मौसम की बारिश ये अंताक्षरी खेल ले मैं नहीं गाऊंगी नहीं अच्छा नहीं अच्छा गा रही अच्छा गा रही नहीं नहीं मुझे नहीं आना गाओ रिम झिम सावन मुझे नहीं आना चलो आस्था यू मस्ट बी हंग्री आई विल टेक यू इनसाइड एंड लेट्स हैव सम फूड मजाक करना तो कोई राजवीर से सीखे वैसे दोस्ती यारी में मजाक मस्ती और सरप्राइजेस का होना बहुत जरूरी है इसीलिए तो गाते गुनगुनाते आज राजवीर आस्था को दे रहे हैं जायके भरा सरप्राइज क्योंकि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है और यही स्वाद रिश्ते को और भी खास बनाता है तो हम लोग पहुँच गए हैं ग्लोकल में ग्लोकल जंक्शन जो कि आस्था को काफी पसंद आएगा शिमला में शिमला से हो तो मुझे पता है इसका फेवरेट फूड क्या है मुंबई में वो है पास्ता करेक्ट तो मैं आज आस्था को फ्रेंडशिप डे के उसमें पास्ता खिलाऊंगा आस्था को पास्ता चलो थैंक यू सो मच अब देखते हैं कैसा आप मुझे पास्ता यहाँ और यहाँ पर ना आस्था एक बहुत अमेजिंग ना राजमा टाइप चावल टाइप बनता है तुम्हारे यहाँ पर टेबल पर लेकर आएंगे वो लोग लाइव या ऐसे ऐसे वो कुकर खुलेगा उसमें से एंड इट्स माइंड ब्लोइंग द प्रेजेंटेशन एंड ऑल एंड द फूड टेस्ट इज गुड इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड तो यू शुड ट्राई दैट वन टू पिज्जा यू लाइक यस आई लाइक यू लाइक पिज्जा पास्ता पिज्जा एंड दैट कुकर वाला राइस एंड ऑल हाँ ठीक है डन मोटा करना है तुझे चल चल कम हैव अ सीट कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद यहाँ बाहर आके कुछ खाने पीने को आए हैं हम यू शुड ड्रिंक वाटर पास्ता अल्फ्रेडो पास्ता राजमा कुकर राजमा rice and pizza yeah thank you so much brother thank you par jaldi lekar aana bahut bhook lagi hai मतलब पास्ता में आई लाइक व्हाइट सॉस पास्ता ओनली या आई नेवर लाइक रेड सॉस पास्ता आई डोंट नो व्हाई मुझे दोनों पसंद है बट दोनों चलेगा अच्छा यू लाइक पास्ता ओनली दिस वन इज बेटर नो मतलब मेरा वो रेड सॉस का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ आई नेवर लाइक केचप आई नेवर लाइक नो 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 बहुत केचप पास्ता पे खराब करना है इसको समझ में नहीं आता एक ऐसे ही स्लैब सा होता है ये और आप पकड़ते हो गिर जाते हो ओके तो मुझे पता नहीं था तो एक बहुत बड़े एक्टर हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर है ना आयरन मैन में थे चैपलिन में थे बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में थे जज में थे तो ऐसे ही उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं तो वो ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहे थे कि हाउ टू ईट पिज़्ज़ा करेक्टली ओके तो मुझे नहीं पता था तो मैंने मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग है पिज़्ज़ा करेक्टली कैसे खाए ओके आप कांटे से तो नहीं खा सकते छुरी से तो नहीं खा सकते तो जनरल लोग क्या करते हैं ना आप ऐसे खाते हो दस वन ये दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू ईट पिज़्ज़ा दस फोल्ड इट Just fold it and now eat. Okay, now try. So this is the right way. This and this one. No, वो गिरता नहीं है कुछ भी. ना उसमें गिरेगा नहीं हो कुछ भी. Doesn't slip.
Yeah. So this is the correct way to eat pizza. Well, it's mind blowing. Food is really, really, really good. अच्छी जगह लेकर आया मुझे. ऐसा एक चीज रह गई. राजमा कुकर राजमा राइस. अरे हाँ. तो उसके लिए पहले पिज़्ज़ा फिनिश कर. नहीं. फिर वो नहीं मैं खा पाऊँगी. Don't waste your food. Come on. No. Okay, I'll help you to eat pizza. One bite. देखा है कुकर ही यहाँ पर आ गया है राजमा चावल का तो मतलब ये है कि टूट पड़ो सो दिस इज द स्टाइल एंड यहाँ का स्पेशल डिश है तो सी इट्स हॉट रियली 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 हॉट एकदम गर्मा गर्म सीधा कुकर से पेट में प्लेट में भी नहीं सीधा पेट अच्छा राजमा हाथ से खाती है मैं तो हाथ से खाती हूँ मुझे हैबिट नहीं हुई हाथ से खाने की कभी आई डोंट नो नहीं 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 अनघा खाती है हाथ से हमारे पहाड़ों में धाम होती है आई नो धाम खाई है मैंने बहुत बार तो वो तो चावल हाथ से ही सब कुछ मिक्स करके खाते हैं हम लोग तो जो हाथ से खाने का मजा है ना वो कहीं भी नहीं है हमारे हिमाचल में धाम होती है धाम में क्या होता है हिमाचली डिशेज जैसे कांगड़ा है हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट मंडी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बहुत फेमस है चंबा डिस्ट्रिक्ट में तो हम लोग वहाँ पे चावल होते हैं साथ में खट्टा होता है मीठा होता है मदरा एक डिश है बहुत फेमस मदरा और दाल होती है तो वो क्या होता है सब सारी चीज़ें मिक्स करके ना एक्सेप्ट मीठा कुछ लोग मीठा भी कर ले सारी चीज़ें मिक्स करके जो हाथ से खाने का मज़ा आता है ना मतलब लोग पागल है वहाँ पे धाम के लिए और धाम धीरे धीरे ये फैल भी रहा है चंडीगढ़ में कई रेस्टोरेंट खुल गए वहाँ धाम मिलती है बट मुझे जो ऑथेंटिक है मुझे वहीं की पसंद आती है आई मीन जो टेस्ट है जो पानी का जो टेस्ट है स्पेशली आप कैसे लेकर आओगे लोग बोलते हैं कि पहाड़ों में इतनी अच्छी मैगी कैसे बनती है मैगी तो सेम है पर पानी का टेस्ट बहुत अलग है ना तो वो जो रियल जो टेस्ट है धाम का मुझे पहाड़ों में ही अच्छा लगा आई लव धाम कभी ऐसा देखा है अनार के दाने राइस एंड राजमा दिस इज दैट्स व्हाई ये स्पेशल डिश है ओके और घी में बनी है देख बता कितना चाहिए आस्था ने ये फिनिश कर दिया है ओके आस्था अभी आपको कुछ पीना है क्या पीना है आइस टी पीना है मैं बनाकर पिलाऊं रिस्की है अब तुझे मैं पक्का बनाकर पिलाऊंगा चल उठ आ जा पता नहीं आइस टी होगी कि क्या होगा अब देखो ऐसा इसको आइस टी बनाकर पिलाऊंगा ना ओके
बारिश के इस मौसम में अलग अलग टेस्टी टेस्टी खाने की बात ही अलग है, और ऐसे में स्वादिष्ट भरे भोजन के बाद अगर पसंदीदा ड्रिंक मिल जाए तो मन संतुष्ट हो जाता है। इसीलिए आज अपनी दोस्त आस्था के लिए राजवीर दिखा रहे हैं अपनी पाक कला और बना रहे हैं उसके लिए अपने हाथों से स्पेशल आइस टी। मेरे लिए आइस टी बनाने जा रहे हैं राजवीर, ऑल्सो नोन एज अबीर। तो देखते हैं इनका कमाल, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं कैसी होगी। देखो आइस टी का सामान तो आ गया मेरे पास, लाइम जूस आ गया है, ये सब आ गया है, दिस इज आइस टी। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है? लाइम जूस। ये क्या है? क्या है ये? सोया सिरप। क्या? शुगर सिरप। शुगर कितना चाहिए? शुगर सिरप है ये। ये क्या है? दिस इज आइस टी। ओके ओके। और कुछ मिला ना? नहीं नहीं, मैं आपकी नॉलेज के लिए आपसे पूछ रही हूं। मुझे लगा मुझे कुछ नहीं, मुझे इसका पता है, इसका पता है, बिकॉज ये मैं चीज़ अवॉइड करता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है शुगर। तो यू वांट मी टू पुट इन शुगर एंड लिटिल? ओके, थोड़ा ही है वैसे। चलो ठीक है, लेट्स ट्राई। This is iced tea. Oh, nice. And today मैं plug करके I'll... This is really good, leaves ऐसे भी खा सकते हैं। Iced tea, आस्था ने मुझे चैलेंज किया था कि मैं बना नहीं सकता, and this is for you आस्था। एक सेकेंड, yeah it's good. अभी good तो मैं पीऊँगी तो पता चलेगा। Taste कर, जल्दी बढ़ा, taste कर। बहुत टेस्टी है, सच में है क्या? हाँ। मुझे ही बिलीव नहीं हो रहा। भाई आपकी नौकरी गई। ओके ये ले। तो अभी ये मैं पी लेती हूँ। मुझे नहीं मिलेगा ना, अपना बना लूँ मैं। आप अपना बनाओ। किसी को भी आइस टी पीनी है ये इन्हें कांटेक्ट कीजिए। मेरा मेरा नंबर बता दे, बता दे। मुझे याद नहीं है। ओके, मेरा नंबर दे दे और मेरा कार्ड दे दे आइस टी का, है ना? एक्टिंग में कुछ नहीं हुआ तो इसमें कुछ कर लेंगे ना। हाँ क्यों नहीं, एक्टिंग में ही करना है। आस्था, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ओके, आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मेरा और आस्था का जो फ्रेंडशिप डे है वो बहुत अच्छा गया है। आप भी अपना फ्रेंडशिप डे बहुत अच्छे तरीके से मनाइए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सेफ भी रहिए। आप बारिश के मौसम का आप आनंद लीजिए और अपने परिवार के साथ रहिए खुशी खुशी। और कीप वॉचिंग नीरजा ऑलवेज, मंडे टू संडे 8:30 PM। आस्था विश कर रहे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप दोस्त बनाइए, अपनी दोस्ती को बरकरार रखिए, ऐसे ही अपने दोस्तों को सरप्राइजेस दीजिए इस फ्रेंडशिप डे। और हमें भी अपना दोस्त बना लो, हमारा शो देखो रोज नीरजा, मंडे टू संडे 8:30 PM कलर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।